सभी को नमस्कार। तो फिर से आ गए एक नए ब्लॉग में, जहां हम लोग जा रहे हैं वीडियो शूट करने, अपन और शशि भाई जी। आमी जे तोमार। तो गाइस यहां से निकले हैं, अभी जा रहे हैं उधर ही, फिर वहां से देखते हैं नाव वगैरह मिला या नहीं मिला। ये है शशि भाई जी का गेटअप, देखिए यार गाइस कितना कूल लग रहे हैं ब्रो। ओह माय गॉड, और मैं भी कूल लग रहा हूँ। तो गाइस चलते चलते रस्तिया में मिल गए हमको दो भैया, और कहें कि साहिल भैया हम आपको पहचानते हैं, और यहाँ हम लोग ने फोटो लिया घब घब घब। हाँ फोटो ही लिया ऐसे करके। तो फिर हाथ उत मिलाए और फिर वहाँ से अलविदा मांग लिए उन लोगों से। गाइस ये जो आप चश्मा देख रहे हैं, ये करीबन 9,500 का चश्मा है, और इसकी खास बात ये है ना कि इसमें लेंस मतलब इतना पतला और इतने अच्छे तरीके से लगाया गया है कि जिसे बाहरी वाले लोगों को ऐसा लगता है कि लेंस ही नहीं है। और बहुत ही चमत्कारी चश्मा, चमत्कारी नहीं कह सकते हैं, बहुत ही महंगा है, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इसको। हाँ, इतना पतला है देख रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा होगा आपको कि कुछ लगा है इसके अंदर। ये सब सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड में नहीं रहता है, मतलब डिस्प्ले की फोल्ड आता है। वैसा ही कुछ बढ़िया। इसमें आँख में लगाते ही एक रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, जिसके कारण बहुत सारी चीजें एकदम क्लीन दिखाई देती है। हाँ, और इसी को हाजमा भी कहते हैं, तो मतलब बातों से। तो क्यों करते हैं शशि भाई जी ऐसा काम? आप बोल तो हम रहे ना। आए हम ही बोल रहे हैं बीच, मतलब हमेशा आदमी तो हम तो हमेशा बोलते रहते हैं गाइज, हगता तो इंसान थोड़े थोड़े बात कुछ बात पे है या कुछ समय पे। तो क्यों हग रहे हैं आप? यही में लात खा जाए ना तो सुधर जाए। आए क्यों हग रहे हैं दोस्त? मजबूर कर रहा है तो। ओके गाइस दिखा रहे हैं आपको बैकग्राउंड कैसा क्या है। गंगा पर गोवा, आइए आना जाना 50 हो गया नदिया के पास। 50 रुपए, सॉरी 50 तोला। आइए गंगा के पार, मिनी गोवा। रना रना रनु रे। गंगा माँ इस पार आ गए हैं हम लोग, और काफी अद्भुत दृश्य है यहाँ का, अच्छा लग रहा है, बेहतर सुकूनदायक है। और जिस काम के लिए आए हैं हम लोग वो काम हो जाए तो और बढ़िया। हम लोग बालू वाला इलाका खोजेंगे गाइज, तो बने रहिए ब्लॉग में और देखते हैं आगे क्या होता है। गाना है तू है कहाँ। अरे दी भाई कसम से बता रहे हैं, क्या नॉर्मल वॉक रहे एकदम लोअर एंगल से इतना से लेखा ली और इस पे चलते रहे सामने। पता है क्या करे? हाँ क्या, ये पूरा जो है ना पाथ इसको रखे। हाँ अब ब्लेंडर से हाँ। स्काई और ये सब चेंज कर दे। नाउ द प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड टू रिकॉर्ड द वीडियो एंड हियर इज द फर्स्ट लोकेशन। और यहाँ पे सामने गौ माता, अरे साला रहने दो मुझसे ना हो पाएगा। क्या कुछ नहीं आप लोग पाएगा कुछ नहीं। आइए सामने, ये तो चेक करें। तो गाइज यही है तू है कहाँ सॉन्ग का शूट करने के लिए गए हुए थे हम लोग। तो अच्छा था, जैसा सोच के गए थे उस तरीके का लोकेशन तो मिला नहीं, पर फिर भी कोशिश किए और कुछ नाव के बगल से शॉट लिए, कुछ लिपसिंग किए, और बाकी यही 1.5 घंटा हम लोगों को लगा इसी चीज को शूट करने में। नहीं वीडियो
वीडियो शूट करने का तो कर लिए, अब पता नहीं कैसा क्या है और किस तरीके से एडिट हो रहा है। ओके तो क्या हाल है भाई जी, कैसे हैं? ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया, हर महादेव। तो देखते हैं किस तरीके से क्या एडिट होता है, क्योंकि अब हमको सही मालूम नहीं है, क्योंकि हम क्लिप अभी तक उतना अच्छे तरीके से देखे नहीं है और ना ही शॉट प्रॉपर दिमाग लगा के गए थे कि ऐसा ऐसा हम लोग को लेना है। गए थे रेगिस्तान वाला वीडियो बनाने, रेगिस्तान नहीं मतलब बालू वाला, बालू टाइप का वो वीडियो बनाने, पर बालू मिला नहीं, पानी था वहाँ पे। हाँ, और जहाँ पे हम लोग असल में पहले वीडियो शूट करते थे वहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, फिर भी कोशिश किए हैं, नाव वाव लगा हुआ था तो वैसा ही फुटेज काट के लाए हैं आपको, हम शायद वीडियो दिखा दें। तो बने रहिए ब्लॉग में, बने क्या रहिए, अब हम आप लोग से अलविदा चाहते हैं। और उस वक्त हम शूट नहीं कर पाए इसलिए क्योंकि कोई था नहीं मेरे पास, मेरा वीडियो शशि भाई जी बना रहे थे, शशि भाई जी का हम बना रहे थे, और ब्लॉग बनाने के लिए कोई रहा नहीं और लाइट भी डाउन हो रहा था, तो ब्लॉग वाला जो क्लिप होता वो शूट नहीं कर पाए, माफ़ी चाहेंगे गाइस। हाँ बोलिए, BTS बिहाइंड, हाँ बिहाइंड द सीन, तो लव यू गाइस, प्यार और सेक्स बनाए रखिएगा। जय जय भारत, वंदे मातरम। जय जय भारत, वंदे मातरम।